राम राम चचा, कैसे हो? राम राम, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ चचा। अच्छा, वो जो तुम चैप्टर इंटीजर्स पढ़ रहे थे, उसमें आगे कुछ पढ़ा? हाँ चचा, आगे पढ़ा। क्या पढ़ा? चचा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब? चचा, इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखा जाता है और लिखने के बाद उसका मीनिंग क्या बन जाता है, ये सब पढ़ा। अच्छा, मुझे भी बताओ। तो हाँ चचा, इसके लिए सबसे पहले आपने एक सीधी लाइन लगानी है। ये लाइन आप स्केल यूज़ कर कर भी लगा सकते हैं। अब उस लाइन के बिल्कुल मिडल में ज़ीरो लिख देना है। अब एक एक सेंटीमीटर के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसी मार्किंग्स इंटीजर्स की कर देनी है। अब ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर, ज़ीरो के दाहिनी साइड पर हमारे पास सारे प्लस वाले नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और लेफ्ट साइड पर? लेफ्ट साइड पर चचा सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी -1, -2, -3, -4, -5। ये -5 के बाद क्या आएगा? चचा -6। और ये चलता रहेगा? हाँ, -6 के बाद -7, -8, -10 और ये माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही ये 7 के बाद भी बढ़ेगा? हाँ चचा, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो ये दोनों तरफ बढ़ेंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी। पर अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ तो सारे के सारे पॉजिटिव बनते जा रहे हैं और नंबर बड़ा आता जा रहा है। हाँ चचा, अगर आप ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा। देखें कैसे बढ़ेगा। हाँ, दिखाओ। तो चचा ये देखो, ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो तो रहा न्यूट्रल, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव नंबर्स जब मैं राइट साइड पर मूव करता हूँ तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और हर नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो नंबर बढ़ता जाएगा। अब मान लो चाचा कि एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर -2, तो कौन बड़ा होगा? अरे, जो आगे जाकर आया वही बड़ा होगा ना, क्योंकि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ता रहता है। तो जो -2 है वो लेफ्ट में है और जो 4 है वो राइट में है, इसलिए बड़ा। तो मुझे 4 ही लग रहा है। बिल्कुल सही चचा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए नंबर बढ़ता जाता है। सो जो भी राइट पे नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, तो -2 और 4 में से 4 ही बड़ा होगा। तो समझे चचा? अरे, मैं तो पहले ही समझ गया था। हाँ, ठीक है। अरे बेटा, एक और बात, ये जो 0 है ये तो हर माइनस वाले नंबर के राइट में आता है। हाँ चचा, ये जो 0 है ये हर नेगेटिव नंबर के राइट में आता है, इसीलिए 0, क्योंकि ये हर एक नेगेटिव नंबर के राइट में आता है इसीलिए हमेशा बड़ा होता है। तो कभी भी कंपैरिजन करना हो एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 में, तो जब भी नेगेटिव नंबर और 0 की बात होगी तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा 0 से, यानी 0 हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि वो हमेशा राइट में आता है नंबर लाइन पे। तो चचा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि -16 बड़ा के 0 बड़ा? अरे, तो बहुत आसान है, 0 ही बड़ा होगा। क्यों? अभी तो पढ़कर हटे कि
कि जो जीरो होता है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा राइट में होता है। अच्छा एक और पूछता हूँ चचा, जीरो और माइनस 100 कौन बड़ा होगा? ये तो ऑब्वियस बात है बेटा कि जीरो ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा राइट में होता है नंबर लाइन में, और जीरो और नेगेटिव नंबर में हमेशा जीरो ही बड़ा होगा। तो चचा ये दो सिंपल सी बातें हैं जो हमको समझनी होती है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बड़ा होता जाता है। अगर दो नंबर कंपेयर करने हैं तो बड़ा हमेशा राइट वाला होगा, जो जब हम इनको नंबर लाइन पे लिख कर देखेंगे। तो चलिए एक और कंपैरिजन करके बताइए। अब मैं आपको नंबर दे रहा हूँ -16 और -2, दोनों में से कौन बड़ा है? अरे बेटा बस इतना देखो, -16 लेफ्ट वे है, -2 राइट वे है, और रूल नंबर 1 कहता है राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो -2 ही बड़ा होगा। वाह चचा बिल्कुल सही। बेटा हाँ चचा, एक और बात समझ में आ रही है। क्या चचा? ये जो जीरो की तरह हर पॉजिटिव नंबर भी तो लेफ्ट नंबर के राइट में है। समझा नहीं चचा, क्या कह रहे हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जितने पॉजिटिव नंबर हैं ये भी तो नेगेटिव नंबर्स के राइट पर आते हैं। पहले आपने चचा ये तो नहीं कहा था? अरे बेटा बढ़िया गया हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स के राइट में आते हैं। तो जैसे जीरो सबसे बड़ा होता है, ऐसे ही पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। बिल्कुल सही चचा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो चचा जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स के राइट हैंड साइड पे आते हैं, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होंगे नेगेटिव इंटीजर्स से। हाँ बेटा। अच्छा चचा एक कंपैरिजन करोगे? हाँ बेटा। तो 7 का कंपैरिजन करना है -7 के साथ। तो बेटा 7 पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए 7 इज ग्रेटर देन -7। वाह चचा आप तो एकदम समझ गए। एक और, -19 और 19 में कौन बड़ा? अरे दोनों में देखिए पॉजिटिव कौन है। देखिए 9 जो है वो पॉजिटिव है, -19 नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, इसीलिए -19 ऑलवेज स्मॉलर होगा 9 से, तो 9 इज ग्रेटर। अच्छा चचा अगर मैं 9 -19 और -19 को बोलूं? मजाक कर रहे हो बेटा, ये तो दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो ये इक्वल ही होंगे। हाँ चचा बहुत सही। तो चचा आज की कहानी से मुझे आपको क्या शिक्षा मिली? बेटा सीधी सी बात है, अगर दो नंबर्स का कंपैरिजन करना है तो दोनों को प्लॉट कर देख लो नंबर लाइन पर, और अगर कोई नंबर राइट पर हुआ तो वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, डेट है -2 और -60। अब -2 और -60 को नंबर लाइन पर बनाकर देखो, दोनों को रफली प्लॉट करेंगे तो -2 कुछ यहाँ आएगा और -60 यहाँ आएगा, तो वेरी क्लियरली -2 राइट में है, इसीलिए वो लार्जर होगा। समझे? हाँ चचा अब तो तुम ही मुझे पढ़ाने लगे। हाँ चचा एक और सवाल है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब? बढ़ते क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ। बेटा चुप चाप सारे नंबरों को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, जैसे ही तुम प्लॉटिंग शुरू करोगे जीरो को मिडल में लिखेंगे, फिर -3,
फिर -6, -8, 5 और 6। तो अपने आप से अरेंजमेंट हो जाएगा। अब हमको पता है नंबर लाइन में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिजिट्स बढ़ते हैं, नंबर बड़े होते हैं। तो इसीलिए -8 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा -6, और ये चलता जाएगा 6 तक। समझे? हाँ चाचा। अब तुम एक सवाल करके दिखाओ डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग का मतलब तो समझते हो ना? हाँ चाचा, बड़े से छोटा। मैं भी आप जैसे ही ट्रिक लगाऊंगा। मुझे जो दिए गए नंबर हैं उनको मैं पहले नंबर लाइन पर प्लॉट कर दूंगा। नंबर लाइन रफली ड्रॉ कर ली मैंने। अब बीच में 0, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर पहले लिख लिए, माइनस वाले नंबर भी प्लॉट कर लिए, -2, -4, -3, -4। अब चचा आप तो हमें पता ही है, जब भी मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो नंबर बढ़ते हैं, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा तो नंबर घटते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 4 जो -4 की तरफ गया। तो चचा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया बेटा। तो चचा स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। हाँ बेटा। थैंक यू।